और यहां जो किसान है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मेरे शब्द सुनिए, खुशी होगी आपको, 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। अभी पूरा नहीं किया मैंने, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम कानून बदलेंगे। कौन सा कानून बदलेंगे? हिंदुस्तान का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी प्रदेश का कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आप सोचिए ऐसा काम किया जा सकता है? चौकीदार ने आपको लूटा, आप जेल जाते हो और विजय माल्या लंदन जाने से पहले अरुण जेटली से मिलता है, हैंडशेक करता है, नीरव मोदी मौज करता है, अनिल अंबानी बाहर घूमता है? नहीं, एक हिंदुस्तान होगा। चौकीदार जी, आप किसान को जेल में डालना चाहते हो, पहले उस चोर अनिल अंबानी को जेल में डालो, उसके बाद में हम बात करेंगे। जिस दिन तक अनिल अंबानी जेल में नहीं होगा, उस दिन तक हिंदुस्तान के किसान जेल में नहीं जाएंगे कर्जे के लिए। दूसरी बात, हिंदुस्तान के किसानों ने हमें कहा, देखिए बजट बनता है, लोकसभा में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के नोट्स लेते हैं, हमारे लिए सरकार ने ये किया वो किया। राहुल जी, दो बजट बनने चाहिए, साल की शुरुआत में हमें बता दीजिए, कागज पे लिखकर, बजट में लिखकर बता दीजिए कि किसानों के लिए आप क्या कर रहे हो, सीतापुर के गन्ना किसानों के लिए क्या कर रहे हो, कहां कहां शुगर फैक्ट्रियां लग रही हैं, कितना पैसा शुगर फैक्ट्री में जा रहा है, क्या दाम मिलेगा, कितना मुआवजा मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, पूरा का पूरा हमें साल के शुरुआत में बताइए। अरे भाई कैसे करें? राहुल जी, दो बजट बनाइए, एक बजट नेशनल बजट हो और उसके बाद नहीं, उसके पहले लोकसभा में किसानों का बजट पेश हो। शानदार आइडिया, आपने ऑर्डर दिया, हमने स्वीकार किया। 2019 में दो बजट बनेंगे, पहला बजट किसानों का बजट होगा, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा हिंदुस्तान की सरकार आपके लिए क्या करने जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी, इतना कर्जा माफ, इतनी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, यहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, और उसके बाद में नेशनल बजट। हम आपकी मन की बात सुन के काम करना चाहते हैं, आप हमें ऑर्डर दो, हम काम करेंगे। चौकीदार लाल किले से कहता है, लाल किले से कहते हैं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, आपके माता पिता आपके दादा दादी का अपमान करते हैं। हिंदुस्तान को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, एक व्यक्ति नहीं चलाता है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के किसान अपना खून पसीना देके चलाते हैं। मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे बिजनेस वाले, सब के सब मिलकर हिंदुस्तान को चलाते हैं। और जब हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार लाल किले से कहता है कि मेरे आने से पहले कुछ नहीं हुआ, वो आप सबका अपमान करता है। हम जानते हैं कि ज्ञान आप में है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बेरोजगारी की मैंने बात की, थोड़ी और करना चाहता हूं। न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देगी, फैक्ट्री चालू करेगी, मगर वो काफी नहीं है। मैंने पता लगाया 22 लाख सरकारी नौकरियां, आज के बेरोजगारी में 22 लाख सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी ने नहीं खोली भरी। मैं आपको स्टेट से गारंटी करता हूं, एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां आपको हम पकड़ा देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दिलवा देंगे। हर युवा, सीतापुर का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, जब भी बिजनेस चालू करना चाहता है उसे सरकारी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। एक डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन मांगो, कहते भैया परमिशन सब ठीक है, पहले रिश्वत दो,
दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ परमिशन मांगो रिश्वत दो, तीसरे में परमिशन मांगो रिश्वत दो। पता लगता है बिजनेस खोलने से पहले 10-15 डिपार्टमेंट से जाना पड़ता है, पूरा का पूरा पैसा, बिजनेस खोलने वाला पैसा वो परमिशन में चले जाता है, हजारों रुपए लाखों रुपए परमिशन लेने में चले जाते हैं। सीतापुर के युवाओं सुनो, और टीवी पे जो लोग देख रहे हैं सुनो, 2019 सरकार बनने के बाद किसी भी युवा को, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को बिजनेस खोलने के लिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप जाइए अपना बिजनेस चालू कीजिए, धंधा चालू कीजिए, रोजगार दीजिए हिंदुस्तान को, रोजगार पैदा कीजिए। इस भीड़ में जो युवा खड़े हैं, नीरव मोदी से ज्यादा रोजगार ये पैदा कर सकते हैं। क्या किया उसने? 35 लाख करोड़ रुपए दिए, कितने रोजगार दिए हिंदुस्तान को? 10 लोगों को, 20 लोगों को रोजगार दिया। यहां युवाओं की सेना है, आप ही लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो। बिना परमिशन बिजनेस चालू करो, 3 साल बाद जब आपका बिजनेस चालू हो जाएगा तब आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाना, कहना ठीक है भैया हमने बिजनेस चालू किया है, बिजनेस है हमारा, 20-30 लोग हमारे साथ काम करते हैं, अब आप हमें परमिशन दीजिए। अगर आपका बिजनेस चालू नहीं हुआ तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं। ये जो हथकड़ियां बांध रखी है नरेंद्र मोदी जी ने, इनको हम तोड़ना चाहते हैं, युवाओं को मदद करना चाहते हैं। माताएं बहनें आई हैं, आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए यहां पुरुष हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, मैं साफ कह देता हूं, पहले ही कह रहा हूं, न्याय योजना का पैसा 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा, हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000, 10 साल की गिनती आप कर लो। पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट पर जाएगा। बाद में मुझसे मत कहना ये क्या कर दिया, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, वो आपके बीच में उनके बीच में है, मैं बैंक अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। और महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। आखिरी दो चीजें, मजेदार चीजें, हिंदुस्तान का कोई भी युवा सरकारी एग्जाम लेता है, किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम लेता है, उसे एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है, किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है। हमने डिसीजन ले लिया है कि कोई भी युवा अगर सरकारी एग्जाम के लिए, पोस्ट के लिए पेश होए तो उसे कोई एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन फी को हमने खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। आखिरी बात, महंगाई। दुनिया में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल, आज $70 प्रति बैरल। चौकीदार ने कहा था महंगाई कम करूंगा, हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं 15 लोगों को फायदा हो रहा है, आपके जेब में से पैसा निकाला जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करूंगा, मैं पूछता हूं महंगाई बढ़ी या कम हुई? बढ़ी या कम हुई? बढ़ी है। तो आप निर्णय लीजिए, एक तरफ सच्चाई, भाईचारा, एकता, दूसरी तरफ नफरत, झूठे वायदे, क्रोध। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, हमारे कैंडिडेट कैजर जहान जी को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।